तो क्या हाल चाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू माय गेमिंग चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं वॉरजोन मोबाइल की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो वॉरजोन मोबाइल जैसे आपको पता ही है कि 21 मार्च को हमारा रिलीज़ होने वाला है और इंडिया में हमारा रिलीज़ होगा 11:30 बजे के करीब। तो एक्टिविज़न ने बताया है कि वो जल्दी से जल्दी जितने भी हमारी जो भी क्रैश हो रहा था रिक्वायरमेंट्स वगैरह उन्हें सबको सही करेगा ग्लोबल लॉन्च से पहले। तो उन्होंने कुछ हमारी ग्लोबल लॉन्च के लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट दिखा बताई है। तो एंड्रॉयड के लिए जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो है हमारी एड्रीनोज 618 या फिर और उसके साथ 4GB रैम का होना चाहिए डिवाइस। और यही iOS के लिए है जो iOS 16 होना चाहिए और 3GB रैम और एक्सक्लूडिंग iPhone 8, मतलब iPhone 6 से ऊपर जितने भी आपके वो उसमें चल जाएगा गेम ढंग से। पर ये ऑफिशियल वालों ने था। अब जब टेस्टिंग करी है इन्होंने तो टेस्टिंग के बाद जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आई है वो आई है हमारी स्नैपड्रैगन 720 और एड्रीनोज 618 GPU। और ये GPU के बारे में ही बताया और डायमेंसिटी 700 और ये भी आप देख सकते हो और 4GB रैम के लिए बताया। और iOS में एप्पल A12 बायोनिक चिप जो होगी उस भी वर्क कर जाएगा बढ़िया से ग्राफिक्स वगैरह। तो ये थी हमारी सिस्टम रिक्वायरमेंट। अभी जो ऑफिशियल्स ने कहा है बस इतना ही कहा है कि अभी GPU का जो जितना भी GPU की रिक्वायरमेंट है वो उसे कम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसर पे लाएंगे। और मेरे हिसाब से जितने भी हमारे एड्रीनोज बायोचिप, मतलब जो हमारे 600 वाली एड्रीनोज स्नैपड्रैगन वाली चिप सेट है उसमें आराम से वर्क कर जाएगा ग्लोबल लॉन्च से पहले। तो यही थी आज की अपडेट। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। और एक और चीज़, मैं 21 मार्च को मैं लाइव आ सकता हूँ वॉरजोन मोबाइल के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि लाइव में हम मिलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Dead yet, but you die first if you cross me. To inquire, UAV active. If the enemy doesn't kill you, I will. I'm not mad. The other voices in my head are.